हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। अर्थक्वेक का सेकेंड एमसीक्यू सेट मैं ले आया हूं इस वीडियो में। मुझे पता है आप सब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कंटेंट था कि फिल्टर करने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको दूं और बिना देखे हुए दे दूं, आउट ऑफ सिलेबस दे दूं कि आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आए। तो मैं जितना कोशिश कर सका कि फिल्टर हो जाए और जितना मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन पाए, इसके लिए मैंने कंटेंट तैयार किया और टू द पॉइंट टू द सिलेबस तैयार किया है। तो आते हैं स्क्रीन पे। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो एक दो सेक्शन रहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट का और एक सेक्शन उससे पहले का, तो एक और पार्ट में वो छोटा सा पार्ट बनेगा। और इस वीडियो को आप देखें और उसके बाद पार्ट थ्री, क्योंकि अगर मैं एक साथ करता एक तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होता, वीडियो भी बहुत लंबा होता। तो बेटर है कि आप इस पार्ट को देखें, फिर अगले पार्ट में दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड फॉर द अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन दैट इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो अर्थक्वेक बिल्डिंग के लिए जो डिजाइन करना होता है उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इंटीग्रिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला है स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, सेकंड है रेगुलरिटी, थर्ड है रेडेंडेंसी और फोर्थ वन है कंटिन्यूअस लोड पाथ। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ऑल द एबव है ऑप्शन। क्वेश्चन में जो आपका मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपका कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, मुझे यहां मेरा मकसद है कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना। एक तरह से एमसीक्यू के साथ साथ नोट्स के तरह मैं एमसीक्यू बनाता हूं, क्योंकि आपको ये चारों ऑप्शन आप याद करो, कोई एक भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक दूं और पता चला दूसरा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं। फोर वर्च्यूज ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स। ऑप्शन नंबर वन है गुड सिस्मिक कॉन्फ़िगरेशन, बी है एटलीस्ट अ मिनिमम लैटरल स्टिफनेस इन ईच ऑफ इट्स प्लान डायरेक्शंस, सी है एटलीस्ट अ मिनिमम लैटरल स्ट्रेंथ इन ईच ऑफ इट्स प्लान डायरेक्शंस, उसके बाद डी है गुड ओवरऑल डक्टिलिटी। तो यहां पे भी ये चारों ही वर्च्यूज हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई है ऑल द एबव यही सही है। तो कोई भी एक आ सकता है कि इन चार मतलब चारों में से कौन सा एक वर्च्यू है, ठीक है। और पहला और दूसरा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, घुमाकर दूसरे टाइप से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर टेक्निक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग। तो ए है सिस्मिक डंपर्स, बी है सिस्मिक बेस आइसोलेशन, सी बोथ और डी नन ऑफ दिस। तो ये दोनों एक पॉपुलर टेक्निक है जो यूज करते हैं हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के टाइम। और भी कई सारे टेक्निक हैं, आप अगर आपके पास नोट्स या बुक है तो आप देख लेना, एक नजर कर लेना। मैंने मेन जो ज्यादातर यूज होते हैं तो उन दोनों के नाम देकर बोथ दे दिया। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विस्कस डैम्पर्स एनर्जी गेट एब्जॉर्ब बाय डैश फ्लूड विच पासिस बिटवीन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। कौन सा फ्लूड जो है एब्जॉर्ब करता है विस्कस डैम्पर्स में? तो इसका ऑप्शन है अल्यूमिनियम बेस्ड, आयरन बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड और कॉपर बेस्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है सिलिकॉन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव है, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स विच शुड सब्सटेंशियली डिकपल अ सुपर स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स सब स्ट्रक्चर दैट इज इन टर्न रेस्टिंग ऑन द शेकिंग ग्राउंड। ऑप्शन है सिस्मिक डैम्पर्स, सिस्मिक बेस आइसोलेशन, बोथ नन ऑफ दिज। तो सिस्मिक बेस आइसोलेशन जो है उसका एक तरह से डेफिनेशन है ये। सिस्मिक बेस आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एचएसबीटी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बेस आइसोलेशन टेक्निक वाज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड इन इंडिया आफ्टर द। इंडिया में कब इसका बेस आइसोलेशन जो टेक्निक है वो इंडिया में कब लाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है 2005 कश्मीर अर्थक्वेक, बी है 1991 उत्तरकाशी अर्थक्वेक, सी है 93 किलारी अर्थक्वेक, डी है 1950 असम अर्थक्वेक। तो 1993 किलारी अर्थक्वेक के बाद बेस आइसोलेशन टेक्निक को लाया गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, चूज द कंडीशन व्हेन सिस्मिकली वीक
स्ट्रक्चर लाइबल टू बी डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो ए इसका जो ऑप्शन है ए एस आर इक्वल टू एम एस आर, ए एस आर ग्रेटर देन एम एस आर, सी है ए एस आर लेस देन एम एस आर, और डी है ऑल दीज अबव, ऑल दीज कंडीशन। तो इसका सी ऑप्शन सही है कि ए एस आर जब लेस देन एम एस आर होगा तब फिर ऐसा कंडीशन हो सकता है कि डैमेज हो जाए। ये कई बार एचएसबीटी में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। और ए एस आर और एम एस आर अभी जो टर्म्स यूज किए गए हैं तो इसके ऊपर तीन चार क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए एस आर स्टैंड फॉर, ए एस आर किसको बोलते हैं? तो एवरेज सिस्मिक रेसिस्टेंट, एबव सिस्मिक रेसिस्टेंट, एटॉमिक सिस्मिक रेसिस्टेंट, एवरेज सिस्मिक रिफरेंस। तो पहला जो ऑप्शन है एवरेज सिस्मिक रेसिस्टेंट, तो यही सही है। आपको एवरेज, एबव, एटॉमिक, ये एवरेज इन तरह से घुमाकर दिया जा सकता है, चार ऑप्शन में कंफ्यूज किया जाएगा। अब ए एस आर की बात कर ली हमने, तो एक सेम क्वेश्चन एम एस आर पे भी पूछ सकते हैं कि एम एस आर क्या है। अगले मैंने इसका अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन अगले क्वेश्चन में आप जान जाओगे इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम सिस्मिक रेसिस्टेंट ब्रैकेट में एम एस आर, एम एस आर को मिनिमम सिस्मिक रेसिस्टेंट बोलते हैं। एम एस आर इज एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली बाई विच डिजाइन सिस्मिक कोफिशियंट एज पर आई एस 1983-2002। तो इसमें क्या करते हैं, जोन फैक्टर होता है, सेकेंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, तीसरा इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है, और डी होता है हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट। आंसर है ऑल द अबव, सारे के सारे होते हैं एमएसआर के एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जोन फैक्टर क्या है? जोन फैक्टर जेड फॉर सिस्मिक जोन 3। इस जोन फैक्टर कई सारे जोन 1, 2, 3 के लिए है, 1, 2, 3, 4 है, तो आप सारे देख लेना एक बार जोन फैक्टर। तो ये जितने भी मैंने ऑप्शन दे रखे हैं वो सब किसी ना किसी के लिए है। तो यहां 0.16 जो है वो जोन 3 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू रेंज फॉर डिजाइन सिस्मिक कोफिशिएंट फॉर द डी टाइप ऑफ बिल्डिंग। डिजाइन सिस्मिक कोफिशिएंट जो है और डी टाइप बिल्डिंग के लिए, एबीसीडी टाइप के बिल्डिंग के लिए होता है, तो आप डी टाइप के लिए बिल्डिंग के लिए मैं पूछ रहा हूं, आप टेबल देख लेना, ए टाइप के लिए क्या है, बी के लिए क्या रेंज है। तो यहां ऑप्शन में 0.082 लेस देन 0.12 है, मतलब 0.08 इसमें इंक्लूड है और 0.12 इंक्लूड नहीं है, 0.11 इंक्लूड है, 11 से थोड़ा ज्यादा भी, और जो मतलब मान लो 115, 119, 119999 तक इंक्लूड है, लेकिन जैसे ही 0.12 आएगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट पेज में है, इंपॉर्टेंस फैक्टर यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग अलग होता है, तो यहां पे 1 होता है उसका फैक्टर। 13, डैश कंसिस्ट ऑफ एक्शन टेकन फॉर पैचिंग अप सुपरफिशियल डिफेक्ट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिपेयरिंग, रिपेयरिंग, रेट्रोफिटिंग, रीस्टोरेशन, स्ट्रेथनिंग, तो रिपेयरिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा। रिपेयरिंग का एक तरह से ये मतलब डेफिनेशन हो गया। ये कई बार पूछे जाते हैं, ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार करके इसका क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इंक्लूड्स एक्शन टेकन फॉर रीस्टोरिंग द लॉस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। तो रीस्टोरेशन होता है, यहां पे वर्ड भी लिखा हुआ था रीस्टोरिंग द लॉस्ट स्ट्रेंथ, तो इससे आपको पता चल जाएगा। रेट्रोफिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन आना ही है, डेफिनेशन आए या फिर इसके टाइप्स, कई तरह के टाइप्स हर जगह यूज होता है, तो इसका मैं आप फिर से रीडिंग नहीं करता हूं सारे ऑप्शंस को। सी ऑप्शन इसका सही है, इन्वॉल्व एक्शंस फॉर अपग्रेडिंग द सिस्मिक रेसिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग सो दैट इट बिकम्स सेफर अंडर द ऑकरेंस ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर अर्थक्वेक। फ्यूचर अर्थक्वेक से बचाने के लिए एक एक्शन लिया जाता है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को ठीक करते हैं, इसी को बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच प्रोसेस फॉलोइंग एक्शन विल ऑकर इंजेक्टिंग नीट सीमेंट स्लरी और इपोक्सी लाइक मटेरियल विच इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन इन टू द क्रैक्स इन द वॉल्स कॉलम्स बीम्स एटीसी। तो ये सारे प्रोसेस किसमें होते हैं, ये सारे एक्शन किसमें लिए जाते हैं, रीस्टोरेशन में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिस्मिक स्ट्रेथनिंग ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं रेट्रोफिटिंग को भी बोलते हैं,
ठीक है, रिपेयरिंग, रेट्रोफिटिंग, रिस्टोरेशन, ग्राउटिंग, तो रेट्रोफिटिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज यूज्ड फॉर वर्टिकल स्टील ड्यूरिंग रेट्रोफिटिंग ऑफ मशीनरी बिल्डिंग्स, तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन होगा, बैंडेज, हॉस पाइप, इपॉक्सी, स्प्लिंट। स्प्लिंट होगा ऑप्शन, स्प्लिंट और बैंडेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां वर्टिकल स्टील के लिए वर्ड यूज कर दिया गया है, तो स्प्लिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेथड यूज्ड इन रेट्रोफिटिंग ऑफ मशीनरी बिल्डिंग, रेट्रोफिटिंग से देख रहे हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्वेश्चन बहुत बनता है इसके लिए, बहुत सारे, पूरा सिलेबस ही है, पूरा एक यूनिट ही है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ग्राउटिंग, रिपेयर ऑफ बल्गलिंग वॉल्स, प्रोवाइडिंग सिस्मिक बेल्ट्स, और शॉर्टक्रीट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ये सारे मेथड यूज होते हैं रेट्रोफिटिंग किसके लिए, मशीनरी बिल्डिंग के लिए। अगला है मेथड यूज्ड इन रेट्रोफिटिंग ऑफ लो कॉस्ट बिल्डिंग, जो स्टोन मशीनरी बिल्डिंग है उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो दोनों देख लो एक जैसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट 21 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ग्राउटिंग, स्टिचिंग ऑफ वॉल कॉर्नर, स्ट्रेटनिंग ऑफ वॉल कॉर्नर्स, एक्सटर्नल जैकेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे सही जवाब है, सारे मेथड यूज होते हैं, आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 21, मेथड यूज्ड इन रेट्रोफिटिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर के अलग अलग मेथड यूज करते हैं, इसलिए लगातार मैंने 19, 20, 21 तीनों क्वेश्चन दे दिए। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, कास्टिंग, इपॉक्सी इंजेक्शन टेक्निक, सिस्मिक बेस आइसोलेशन, ऑल द अबव, सारे के सारे मेथड यूज करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर के रेट्रोफिटिंग पे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच टेक्निक यूज्ड इन रेट्रोफिटिंग फॉर स्ट्रेथनिंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, यूजिंग FRP, यूजिंग स्टील प्लेट्स, एडिशन ऑफ सीयर वॉल, सिस्मिक बेस आइसोलेशन, तो पिछला वाला ही क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं मैंने, सिस्मिक बेस आइसोलेशन आपने देखा था कि एक ऑप्शन था और चारों के चारों सही जवाब थे, यहां पे चार गलत हैं, एक सिस्मिक बेस आइसोलेशन सही जवाब है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपके चार के चार सही जवाब नहीं आएंगे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया कि आप समझ सको। क्वेश्चन नंबर 23, कॉमनली यूज मटेरियल फॉर रेट्रोफिटिंग, शॉर्टक्रीट, इपॉक्सी मोटर, इपॉक्सी रेसाइन, मैकेनिकल एंकर्स, ऑल द अबव, कोई एक ही क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन रहेगा, आपको चारों याद रखना है, वहां पे एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट मटेरियल यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ माइनर क्रैक्स, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे माइनर क्रैक्स के लिए, तो ऑप्शन ए है शॉर्टक्रीट, क्विक सेटिंग सीमेंट, इपॉक्सी रिसाइन और मैकेनिकल एंकर्स, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज नॉट अ टिपिकल शेप्स ऑफ बिल्डिंग एज पर IS 4326 1993, तो कई सारे शेप के टिपिकल शेप होते हैं बिल्डिंग्स के, तो आप शेप भी देख लेना एक बार, LET ये सही है, मतलब ये टिपिकल शेप में आते हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन चार ऑप्शन देना था तो मैंने LET दिया, और एक F जो शेप होता है, F शेप निकल नहीं होता है। 26, डैश पाउंडिंग ऑकर्स व्हेन द एडजेसेंट बिल्डिंग स्टार्ट वाइब्रेशन आउट ऑफ फेज ड्यूरिंग द सिस्मिक एक्टिविटी विच कॉजेज कॉलिजन अमोंग्स द एडजेसेंट बिल्डिंग, तो इसका पाउंडिंग मैंने गलती से लिख दिया है, पाउंडिंग ही सही जवाब है, पाउंडिंग से नहीं, यहां पे ऑकर्स से स्टार्ट होता, लिक्विफिकेशन, पाउंडिंग, डक्टिलिटी और ग्राउटिंग, तो पाउंडिंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इज द ट्रेडिशनल बिल्ट कंस्ट्रक्शन टाइप, ए है फ्रेम कंस्ट्रक्शन, बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन, बोथ, नन ऑफ दीज, तो ये यहां पे बोथ आंसर होगा, गलती से यहां नन ऑफ दीज लगा हुआ है, यहां मैंने बोथ नन ऑफ दीज लिख दिया है, बट बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट प्रिफर्ड शेप फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन, हेक्सागनल, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, ऑक्टागनल, जो स्क्वायर शेप का होता है उसको प्रिफर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थक्वेक फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डैश, मास, थिकनेस, लेंथ, ब्रेथ, मास होता है अर्थक्वेक फोर्स जो है उसका फंक्शन होता है मास का। इसके बाद थोड़ा सा नोट मैंने दिया है, अर्थक्वेक फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ मास, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट इट इज रिकमेंडेड दैट द बिल्डिंग शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल, ठीक है, मास के ये फंक्शन होता है, तो जितना आप लाइट बिल्डिंग बनाओगे उतना अच्छा है, रिकमेंडेशन है। रूफ्स एंड अपर स्टोरेज ऑफ बिल्डिंग्स शुड ऑल्सो बी डिजाइंड एज लाइट एज पॉसिबल,
क्वेश्चन नंबर 30, द लोड विच चेंजेज विथ टाइम इज कॉल्ड बेस लोड, हार्मोनिक लोड, लाइव लोड और डेड लोड। तो यहाँ पे लाइव लोड होता है, लाइव लोड और डेड लोड वो आपको ध्यान से पढ़ना है। जो चेंज होता है टाइम के साथ वो लाइव लोड है, जो चेंज नहीं होता है वो डेड लोड है। तो नेक्स्ट हम 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम कोड्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर फिफ्थ रिवीजन गिवन इन, किस कोड में अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है? तो आईएस कोड 712/1984 2004, आईएस कोड 1893 पार्ट 1 2004, बाकी के सारे जो कोड लिखे हुए हैं फर्जी हैं। आईएस कोड 1893 पार्ट 1 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, कई बार आपके क्वेश्चन में आए हैं, डायरेक्ट कोड पूछ देगा या फिर उसका क्राइटेरिया पूछ देगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो इन कोड्स के बारे में जानना है। अगला भी है क्वेश्चन कोड के ऊपर, अगले कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन कोड्स के ही ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 32, आईएस 4326 2002, ये क्या है? तो ये कोड है ऑप्शन नंबर बी, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सेकेंड रिविजन। सेकेंड रिविजन अगर रहे तो भी ठीक है, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, गाइडलाइंस फॉर इंप्रूविंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, अर्थ बिल्डिंग के लिए कौन सा कोड गाइडलाइंस तय करता है? तो अर्थक्वेक के लिए जो ऑप्शन नंबर डी है, आईएस 13827/1993, ये वाला कोड अर्थ बिल्डिंग के लिए गाइडलाइंस तय करता है। क्वेश्चन नंबर 34, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस रेफर टू, कौन सा कोड जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए गाइडलाइंस तय करता है? तो कोड है आईएस 13920/1993। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, गाइडलाइंस फॉर इंप्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ मशीनरी बिल्डिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए मशीनरी बिल्डिंग के लिए कौन सा गाइडलाइंस तय करता है? तो आईएस कोड 13828/1993। क्वेश्चन नंबर 36, आईएस गाइडलाइंस फॉर रिपेयर एंड सिस्मिक स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग, तो इसके लिए ये हो जाएगा आईएस 13935/1993, जो ऑप्शन डी है। मैं सारे कोड्स नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, सारे नंबर्स में है, तो जो सही जवाब है मैं बस उतना ही बता रहा हूं, कोड्स वाले में मैं चारों ऑप्शन नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 37, ओवरलैपिंग ऑफ बार्स इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स इज नोन एज पाउंडिंग, बकलिंग, ग्राउटिंग एंड स्प्लिसिंग, तो स्प्लिसिंग जो है, स्प्लिसिंग वो सही जवाब है। और ये जो चारों टर्म है, पाउंडिंग, बकलिंग एंड ग्राउटिंग, ये सब भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 38, इन अर्थेन बिल्डिंग रेट्रोफिटिंग कैन बी डन एज पर आईएस कोड, तो ये दोबारा से मैंने क्वेश्चन पूछा है, अर्थ कोड, अर्थ बिल्डिंग के लिए भी सेम कोड था, यहां पे रेट्रोफिटिंग वर्ड यूज कर दिया, तो मैंने जानबूझ के पूछा कि कई बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, मतलब एक ही तरह का क्वेश्चन दो बार पूछ सकते हैं, तो इसका भी आईएस 13827/1993 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, लार्ज ओपनिंग इन डायफ्राम इज वर्टिकल, पैरेलल, हॉरिजेंटल और इक्वल, तो आंसर होगा सी, हॉरिजेंटल। क्वेश्चन नंबर 40, अ लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर विदाउट अ फ्रेम व्हिच आर वेरी वेल कनेक्टेड टू एक्ट एज वन यूनिट कॉल्ड बॉक्स एक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा जा चुका है, और इसके अलावा भी जो टर्म है बैंड, डक्टिलिटी, एडॉप, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इन सबको भी जरूर देख लेंगे एक बार, मैंने क्वेश्चन दिया नहीं, कई सारे क्वेश्चंस बढ़ जाते, बस टर्म्स मैं बताता चलता हूं आपको साथ साथ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको देख लेना। इसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, लर्न ऑल आईएस कोड रिलेटेड टू अर्थक्वेक इंजीनियरिंग लाइक 1893/2002, आईएस 4326/2002, आईएस 13209/1993, ये तीनों आईएस कोड तो आपको रट लेना ही है, इससे क्वेश्चन आना ही है, कई बार पूछा जा चुका है एचएसबीटी के भी एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी तीन कोड और बचते हैं, आईएस कोड 13827/1993, आईएस कोड 13828/1993 और आईएस कोड 13935/1993,
तो ये 6 टोटल कोड है, इसको आपको याद करना है। मैंने 6 के 6 क्वेश्चन दिए हैं, सभी कोड से कम एक क्वेश्चन जरूर दिए हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, इसके बाद कुछ रह जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनिट और एक यूनिट, तो 2 यूनिट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही ये अपलोड होगा उसके बाद उसका भी प्रोसेसिंग जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1 घंटा में वो भी वीडियो अपलोड हो जाए। तो सुबह जब आप आओगे 6 तारीख को आपका आफ्टरनून में पेपर है, तो आप सुबह का टाइम है, आप जल्दी से दोनों वीडियो देख लेना बैक टू बैक, और आपका प्रिपरेशन होप करते हैं अच्छा ऐसा हो गया होगा। फिर भी आप रिव्यू करने के लिए ये वीडियो जरूर देख लें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दें जिसके जो भी 6th सेमेस्टर सिविल के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि कुछ का रीअपियर भी पेपर होगा अर्थक्वेक का, तो उनको भी जरूर शेयर कर देंगे, सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहीं तक था मेरा वीडियो, तो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।